उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र सुल्तानपुर पट्टी में छोई रोड स्थित गोदाम में पुलिस और एसओजी की टीम ने नकली सीमेंट की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस मामले में मौके से नकली सीमेंट से भरे 500 कट्टे और 900 कट्टे खाली बरामद किए। पुलिस ने मौके पर 5 लोगों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें कि उधम सिंह नगर की एसओजी टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि छोई रोड स्थित एक गोदाम में नकली सीमेंट की फैक्ट्री संचालित की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर उधम सिंह नगर की एसओजी टीम और सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने संयुक्त रूप से गोदाम में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मौके पर खराब सीमेंट को बारीक कर दोबारा नए कट्टों में भरा जा रहा था। पुलिस ने मौके पर काम कर रहे 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले का खुलासा करते हुए उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि एसओजी की टीम और पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि मौके से नकली सीमेंट से भरे 500 कट्टे और 900 कट्टे खाली पुलिस ने बरामद किए। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आज एसओजी और बाजपुर की टीम को। सूत्रों से जानकारी मिले कि एक फर्जी फैक्ट्री है, नकली फैक्ट्री है, जो अनऑथराइज्ड फैक्ट्री है। अनधिकृत रूप से इन्होंने सीमेंट पैकिंग का एक छोटा इंडस्ट्री टाइप खोल के रखा था, जो बिल्कुल ही अधिकृत नहीं है। तो बाद में इस सूत्रों के आधार पर हमने जो टीम ने जब रेड मार के देखा तो यहाँ पे एक टोटल बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था, जो खराब सीमेंट है, जो बिल्कुल पत्थर की तरह हो चुका है, उसको क्रश करके फिल्टर करके नए सीमेंट के रूप में पैक करके दिया गया है। तो कुल मिला के 900 के अधिक जो है खाली कट्टे मिले हैं और 500 से अधिक जो है भरा हुआ कट्टे मिले हैं, जो बिल्कुल नए रूप से आगे जाके मार्केट में बेचने वाले थे। काफ़ी लोगों को संदिग्ध मतलब वहाँ पे इन्वॉल्व लोग हैं, इनको हिरासत में लिया गया है। इनसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। पूरी कहानी जब खुलेगी तब एफआईआर भी रजिस्टर किया जाएगा, उनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अरेस्ट अभी तो हिरासत में है। लोगों से पूछताछ की जा रही है इस पूरे घटनाक्रम में, क्या है, क्या मोडस ऑपरेंडी है। आप सबने देखा वहाँ पे फिल्टर टाइप करके, छलनी करके, उनको क्रश करके, जो इन्फीरियर सीमेंट को उन्होंने नए सीमेंट के तौर पे उन्होंने पैकिंग कर रहे थे। तो इसमें पूरा कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या मोडस ऑपरेंडी है, ये सब कुछ विस्तृत, ये अभी विवेचना का ही पार्ट है। तो हुआ है तो तुरंत हमने आपको बता दिया है। अभी तो कुछ लोगों को हिरासत में ही लिया है, बाकी जब एफआईआर होगा, विवेचना होगा, सारी चीज़ें बाद में। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।